गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर सब्जेक्ट इज डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर 1। आवर टूडेज टॉपिक इज डिज़ाइन ऑफ स्लैब बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हमें यहाँ पे आज के लेक्चर में स्लैब के रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी करना है। कितने टाइप के स्लैब होते हैं, व्हाट इज स्लैब, और वो कैसे डिज़ाइन करना है, उसके रिलेटेड हमें आज के लेक्चर में स्टडी करना है। सो व्हाट इज स्लैब? Slab is an important structural element which is constructed to create a flat and useful surface such as a floor, roof and ceiling. It is a horizontal structural component with top and bottom surface parallel or near, so commonly slab are supported by beam, column, wall or the ground. हम जो slab design करते हैं वो ground के ऊपर कंस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर कॉलम सपोर्ट होता है, बीम के ऊपर हम स्लैब कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्लैब एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो हमें वो फ्लैट, वो सरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें स्टडी करना है स्लैब क्लासिफिकेशन। स्लैब के कितने टाइप्स होते हैं ये हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो फर्स्ट टाइप है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शेप। अपने शेप से देखा तो उसके कितने टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे हमें स्टडी करना है। अकॉर्डिंग टू शेप, फर्स्ट इज स्क्वेयर स्लैब। अकॉर्डिंग टू शेप, द शेप ऑफ द स्लैब इज स्क्वेयर। अकॉर्डिंग टू शेप सेकंड इज रेक्टेंगुलर स्लैब एंड थर्ड इज अ सर्कल स्लैब। सो अकॉर्डिंग टू शेप द टाइप ऑफ स्लैब इज 3: स्क्वेयर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब और सर्कल स्लैब। If the size of room is square, then the slab is called as a square slab. If the size of the room is rectangle, then the slab is called as a rectangular slab. If on a circular part we have to construct the slab, then it's called as a circle slab. Next type of slab is according to support condition. According to support condition, here first type of slab is simply supported, second continuous, third cantilever, fourth flat slab directed supported by column without beam. In flat slab we are not providing a beam, it's rested on totally column. So according to support condition, four type of slab. First is simply supported slab, second is continuous slab, third is cantilever and fourth is flat slab. Okay, the third classification of slab is according to spanning direction. According to spanning direction, the type of slab is one way slab or two way slab. So here we have to study different between one way and two way slab. What is one way slab and what is two way slab, we have to study here, and also difference between, study the difference between one way and two way slab. So difference between one way and two way slab. One way slab, the ratio of larger span to shorter span, the ratio of larger span to shorter span is greater than 2, the slab is called as one way slab. Means what? यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो लार्जर स्पैन है टू शॉर्टर स्पैन, इनका जो रेशो है तो वो कैसा है, ग्रेटर देन 2 आएगा, तो उसको बोलना है वन वे स्लैब. ओके, सो व्हाट इज टू वे स्लैब? द रेशो ऑफ लार्जर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज लेस देन और इक्वल टू 2, इट इज़ कॉल्ड एज अ टू वे स्लैब. मीन्स जो लार्जर और शॉर्टर स्पैन का जो रेशो है इज लेस देन 2, ये 2 से कम है, तो सो इसको बोलते हैं हम टू वे स्लैब. अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि हमारा लार्जर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशो है 2.6. मीन्स ये क्या है, 2 से बड़ा है, 2.6 ये 2 से बड़ा है, तो ये कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा, वन वे स्लैब में. ओके, इफ और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि लार्जर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन रेशो जो है हमारा वो 1.8 है, तो वो कौन से टाइप में आएगा, टू वे स्लैब में. क्यों? क्योंकि ये 2 से कम है,
इसके लिए हम बोलते हैं टू वे स्लैब। तो वन वे और टू वे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या डिफरेंस आते हैं उसकी अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द बेंडिंग टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज शॉर्टर स्पैन। वन वे स्लैब में क्या होता है कि जो बेंडिंग होती है, बेंडिंग मतलब आप सबको पता है बेंडिंग क्या होती है, ये हमारा स्लैब है, ये उसका सपोर्ट्स है, तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये बेंड होता है, ये बेंडिंग होती है। तो ये बेंडिंग कौन से डायरेक्शन में होगी वन वे स्लैब में? द बेंडिंग टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज शॉर्टर स्पैन। ये बेंडिंग सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में ही होगी, शॉर्टर स्पैन में। ओके, इन टू वे स्लैब द बेंडिंग टेक प्लेस इन अ बोथ द डायरेक्शन। टू वे स्लैब में क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में भी, मतलब ये ऐसा हमारा रेक्टेंगुलर है तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में भी क्या हो जाएगा, बेंडिंग क्रिएट हो सकती है, ये इधर के साइड में ऐसा और इधर के साइड में ऐसी बेंडिंग। ओके, इट्स कॉल्ड एज अ टू वे स्लैब। नेक्स्ट, इन वन वे स्लैब डेप्थ रिक्वायर्ड इज मोर, द डेप्थ ऑफ स्लैब रिक्वायर्ड इज मोर इन वन वे स्लैब एंड इन टू वे स्लैब डेप्थ रिक्वायर्ड इज लेस, बिकॉज इन वन वे स्लैब वी प्रोवाइड, इन वन वे स्लैब डेप्थ रिक्वायर्ड इज मोर बिकॉज वी प्रोवाइडेड स्टील इन ओनली वन डायरेक्शन, सो फॉर वन वे स्लैब डेप्थ रिक्वायर्ड इज मोर, इन टू वे स्लैब द डेप्थ रिक्वायर्ड इज लेस बिकॉज वी प्रोवाइडेड स्टील इन बोथ डायरेक्शन, सो डेप्थ रिक्वायर्ड इज लेस। मेन स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग शॉर्टर डायरेक्शन, सो मेन स्टील जो होता है वो हम सिर्फ शॉर्टर स्पैन में, अलॉन्ग शॉर्टर स्पैन हम प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम वन वे स्लैब। हम टू वे स्लैब में क्या करते हैं, मेन स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग बोथ द स्पैन, मतलब हम दोनों स्पैन में भी जो एक्स वाई और वाई का जो स्पैन है उसके दोनों डायरेक्शन में भी हम क्या करते हैं, ऐसे भी हम स्टील प्रोवाइड करते हैं और ऐसे डायरेक्शन में भी हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो मेन स्टील रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलॉन्ग बोथ द स्पैन, इट इज कॉल्ड एज अ टू वे स्लैब। इन वन वे स्लैब लेस इकोनॉमिकल एज थिकनेस इज मोर एंड द अमाउंट ऑफ स्टील इज ऑल्सो मोर। जो वन वे स्लैब होता है वो लेस इकोनॉमिकल है क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है, डेप्थ ज़्यादा रहती है एंड इट रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ स्टील। इन टू वे स्लैब मोर इकोनॉमिकल एज थिकनेस इसकी कम होती है, इसके लिए ये इकोनॉमिकल है एंड स्लैब इज लेस एंड द अमाउंट ऑफ स्टील इज ऑल्सो लेस, इट रिक्वायर स्टील ऑल्सो लेस एंड इट्स ऑल्सो इकोनॉमिकल। आईएस स्पेसिफिकेशन मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड सम स्पेसिफिकेशन फॉर स्लैब, सो फर्स्ट दैट इज इफेक्टिव स्पैन, हमारा स्पैन कितना होना चाहिए, कैसे स्पैन में इफेक्टिव स्पैन कहाँ से कहाँ तक लेना है, उसके सारे क्लॉजेस हमें आईएस 456/2000 में दिए हैं। हमको डिज़ाइन करने के लिए आईएस 456/2000 या आईएस कोड यूज़ करना है, क्या नाम है आईएस कोड का, आईएस 456/2000 एंड क्लॉज नंबर है 22.2। फॉर स्लैब क्लॉज नंबर इज 22.2 एंड आईएस कोड इज 456/2000। द इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब डिपेंड ऑन अ बाउंड्री कंडीशन गिवन इन क्लॉज नंबर 22.2 आईएस 456 टू डिटरमाइन, मीन्स इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पैन, सो सम क्लॉजेस एंड बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन इन क्लॉज नंबर 22.2 आईएस 456/2000। ओके, नॉमिनल कवर टू बी रेनफोर्स्ड, हमें स्लैब के लिए कितना कवर प्रोवाइड करना है उसकी यहाँ पे हमें स्टडी करनी है। नॉमिनल कवर टू द प्रोवाइडेड फॉर रेनफोर्समेंट, द मिनिमम कवर टू मेन बार शैल नॉट बी लेस दैन द फॉलोइंग, मीन्स इससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम कवर है जो इससे कम नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इज 15 mm, 15 mm से हमारा जो कवर है वो कम नहीं होना चाहिए, और द डायमीटर ऑफ मेन बार विच एवर इज मोर,
मतलब 15 mm और डायमीटर ऑफ बार, इनमें से जो भी बड़ा है वो हम कवर एज अ कवर की थिकनेस बोल के यूज़ करना है। मतलब हमारा 15 mm का ये है, मतलब स्टैंडर्ड है, और हमारा जो बार है डायमीटर ऑफ बार वो है 20 mm। सो यहाँ पे क्या बोला है हमें कि विच यूज़ विच एवर इज़ मोर, तो आपको पता है कि 15 और 20 में कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है, तो हमें यहाँ पे कौन सा लेना है आपको 20 mm। सो कवर क्या लेना है फिर यहाँ पे स्लैब को 20 mm। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार। ये डायमीटर ऑफ बार कितना लेना है स्लैब के लिए वो हमें दिया है क्लॉज 25.2.2 में ये दिया है हमें डायमीटर ऑफ बार कितना लेना है, किसके लिए कितना चाहिए, वो कितना लेना पड़ता है हमें, उसकी सारी डिटेल्स क्लॉज नंबर 26.5.2.2 में दिया है IS 456-2000। वो हमें स्लैब डिज़ाइन करने के लिए यूज करना है। द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शैल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। मतलब हमें कितना डायमीटर ऑफ बार यूज प्रोवाइड करना है, 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब, 1/8 इंटू टी। डायमीटर ऑफ बार इज स्मॉलर देन 1/8 इंटू टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, तो वो हमें क्या करना है डायमीटर ऑफ बार ये उससे बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। नेक्स्ट रेनफोर्समेंट में हमें अभी स्टडी करना है, मिनिमम रेनफोर्समेंट हमें कितना प्रोवाइड करना है, रेनफोर्समेंट में हम स्टडी करेंगे अभी मिनिमम रेनफोर्समेंट। द रेनफोर्समेंट फॉर अ स्लैब इन ईच डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार शुड नॉट बी लेस देन गिवन बिलो। मीन्स द रेनफोर्समेंट जो भी हमें स्लैब में प्रोवाइड करना है, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, मीन्स हमें इसमें देखा है वन वे स्लैब में कि हम क्या करते हैं जो अलोंग द शॉर्टर स्पैन हम मेन बार प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो जो मेन बार है वो कैसे हम होल्ड करेंगे, तो LX डायरेक्शन में हमने मेन बार प्रोवाइड की है, तो LY डायरेक्शन में हम क्या करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स क्या होते हैं, लोड भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और होल्ड करने के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट बार। और हम टू वे स्लैब में क्या करते हैं, LY और LX दोनों भी स्पैन में हम मेन डायरेक्शन मेन बार ही यूज़ करते हैं, लेकिन कहाँ पे ज़रूरत होगी तो वहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूशंस बार प्रोवाइड करते हैं। तो ऑफ मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार शुड नॉट बी लेस देन एज अ गिवन बिलो, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, उसके अंदर दिया है टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट। टाइप रेनफोर्समेंट में कितने टाइप है हमने पहले लेक्चर में स्टडी किया है, माइल्ड स्टील और हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार। तो ये यहाँ पे हमें है माइल्ड स्टील, मतलब क्या 250 ग्रेड होता है, और हाई स्टील जो होते हैं उनका ग्रेड होता है 415 या 500 ग्रेड के हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टील, मतलब 250 ग्रेड हमें दिया है तो परसेंटेज ऑफ स्टील कितना लेना है, 0.15 ऑफ AG। और हाई स्टील जो होगा तो उसके लिए कितना लेना है परसेंटेज ऑफ स्टील, 0.12 ऑफ AG। मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन बार्स, मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रहना है बार में, दो बार्स होते हैं ऐसे, दो बार है तो इसके अंदर ये बीच में की स्पेसिंग है ये कितनी होनी चाहिए उसकी हमें यहाँ पे अभी स्टडी करना है। फर्स्ट है द स्पेसिंग पिच ऑफ मेन बार शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग, मतलब जो मेन बार की स्पेसिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उतनी उसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है अभी। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट, द स्पेसिंग ऑफ मेन बार शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग, 3 times इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब, दैट इज 3D, मतलब जो भी डेप्थ होगी वो हमें लेना है, और 300, ये दोनों में से जो भी कम होगा वो हमें लेना है। मतलब 3 into हमारी ये है 3, हमारी डेप्थ है स्लैब की 150। अभी ये कितना हो रहा है 450,
ये 450 है और यहाँ पे दिया है 300, ये दोनों में से कौन सा लेस है? 300 लेस है, तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे फिर? स्पेसिंग 300 ये हम लेंगे, विच एवर इज लेस वही हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, सो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन बार में कितना स्पेसिंग होना चाहिए वो अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर रेनफोर्समेंट, दीज आर रेनफोर्स्ड मेंट प्रोवाइडेड रनिंग एट राइट एंगल टू द मेन बार, मतलब ऐसे हमारे ये होंगे मेन बार से, तो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज़ करते हैं उसको 90 डिग्रीज में एट राइट एंगल टू द मेन बार इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड एंड द टेम्परेचर एंड श्रिंकेज स्ट्रेसेस। द पिच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार शैल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग 5 times इफेक्टिव डेप्थ, मीन्स 5D क्या लेना है हमें? 5D और 450, जिससे जो भी कम होगा वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। 450 या फिर 500 हमने यहाँ पे अभी एज्यूम किया, हमारी डेप्थ है स्लैब की 5 × 100 डेप्थ है हमारी स्लैब की, सो 5 × 100 कितना होगा? ये आएगा 500। और दूसरा क्या है हमारा क्राइटेरिया? 450। अभी आप यहाँ पे देखो 500 बड़ा है छोटा है या 450 छोटा है, तो यहाँ पे 450 विच एवर इज लेस जो भी स्मॉल होगा वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन बार में यूज़ करना है, तो 450 ये स्मॉल है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे फिर? 450 हम यूज़ करेंगे एज अ स्पेसिंग बोल के। तो मेन बार में 3D और 300 इसमें से जो भी स्मॉल होगा वो लेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन बार में 5D और 450 इसमें से जो भी छोटा होगा वो हम यहाँ पे लेंगे फॉर अ स्पेसिंग ऑफ बार। ओके, हमने स्पेसिंग स्टडी किया, अभी हमें यहाँ पे स्टडी करना है थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब की थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है, थिकनेस ऑफ स्लैब। द फॉलोइंग टेबल गिव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ स्पैन टू डेप्थ, रेशो ऑफ स्पैन टू डेप्थ मतलब स्पैन और डेप्थ इसका रेशो दिया है वो कितना होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे डेप्थ ज़्यादा आने की वजह से क्या हो जाता है, बहुत बार स्पैन जो है हमारा स्लैब है वो फेल हो सकता है, तो उसके लिए हमें उसका चेक भी देना पड़ता है कि हमारा स्लैब की हमने जो डेप्थ लिया है वो करेक्ट है या नहीं है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ द स्पैन टू डेप्थ, मतलब जो भी हमारा स्पैन है और डेप्थ है इसका रेशो हमें यहाँ पे लेना है। टाइप ऑफ स्लैब, स्लैब के हमने अभी देखे कि अकॉर्डिंग टू टाइप उसके कुछ स्पैन के हिसाब से, सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से कुछ टाइप्स है, तो सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब है, सिंपली सपोर्टेड वन वे होगा तो डेप्थ कितनी है? 30। कंटिन्यूस वन वे स्लैब 35, सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब होगा तो 35 और कंटिन्यूस टू वे होगा तो 40 और कैंटिलीवर स्लैब 12, तो इतना रेशियो ऑफ स्पैन टू डेप्थ है, तो इसके हिसाब से हमें क्या थिकनेस है लेना है। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्शन रेनफोर्समेंट, टॉर्शन अभी हमें स्टडी करना है, रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्शन रेनफोर्समेंट, टॉर्शन रेनफोर्समेंट कितना और कहाँ पे प्रोवाइड करना है उसकी स्टडी हमें यहाँ पे करना है। टॉर्शन रेनफोर्समेंट शैल प्रोवाइडेड एट कॉर्नर वेयर द स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड ऑन बोथ एज मीटिंग एट कॉर्नर, जहाँ पे कॉर्नर होगा। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताती हूँ, ये हमारा स्लैब है, अभी इसका जो कॉर्नर है मतलब ये स्लैब सिंपली सपोर्टेड है, इसके इधर के साइड में मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, इधर के साइड में जो है यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर से यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना है? टॉर्शन, उसको बोलते हैं हम टॉर्शन रेनफोर्समेंट। टॉर्शन रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर, कौन से कॉर्नर में प्रोवाइड करना है? हम जहाँ पे सिंपली सपोर्टेड एजेस होंगे ऑन बोथ एजेस मीटिंग एट अ कॉर्नर। इट शैल कंसिस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट ईच विद लेयर ऑफ बार प्लेस्ड पैरेलल टू द साइड ऑफ द स्लैब एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम एजेस अ मिनिमम डिस्टेंस 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन, इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन, उतना उसका
डिस्टेंस होना चाहिए. द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन ईच ऑफ दीज फोर लेयर शैल बी 3/4 ऑफ एरिया रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम माइल्ड स्पैन मूवमेंट ऑफ द स्लैब. यहाँ पे हमें टॉर्शन कहाँ पे प्रोवाइड करना है, जहाँ पे कॉर्नर्स है और सिंपली सपोर्टेड स्लैब है वहाँ पे हमें क्या करना है, टॉर्शन प्रोवाइड करना है. क्यों प्रोवाइड करना है, क्योंकि बहुत बार ये सिंपली सपोर्टेड होने की वजह से ये डिफ्लेक्ट होता है, मतलब ऐसे पोजीशन में यहाँ पे इसे डिफ्लेक्ट हो सकता है. तो वो डिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें क्या करना है, बहुत बार ये स्लैब है हमारा तो ये यहाँ पे क्या है, ये फोल्ड हो सकता है ऐसे. तो इसको होल्ड करने के लिए हमें क्या करना है, टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है. टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट हमें यहाँ पे टॉप में भी प्रोवाइड करना है और बॉटम के साइड में भी. जितनी थिकनेस होगी तो उसके टॉप में भी प्रोवाइड करना है और बॉटम में भी. ईच लेयर ऑफ स्लैब प्लेस्ड पैरेलल टू द साइड, तो ये कैसे पैरेलल में हमें प्रोवाइड करना है. डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 1/5 ऑफ द शोल्डर स्पैन. और उसका एरिया कितना होना चाहिए, द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट इन ईच ऑफ दिस फोर लेयर शैल बी 3/4 ऑफ द एरिया रिक्वायर्ड. जितना रिक्वायर्ड है उसके 3/4 मतलब 1/3 में हमें क्या लेना है, उसका एरिया लेना है फॉर द मैक्सिमम मिड स्पैन मोमेंट इन अ स्लैब. द टॉर्शन रेनफोर्समेंट इक्वल टू हाफ दैट डिस्क्राइब्ड इन डी 1.8, मतलब जो हमारा IS 456/2000 है उसका क्लॉज नंबर डिस्क्राइब डी 1.8 में दिया है हमें कि टॉर्शन कितना होना चाहिए, वो क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसका मतलब हम जो चेक देते हैं वो प्रॉपर है या नहीं, उसका पूरा डिटेलिंग हमें डी 1.8 में दिया है. शैल बी प्रोवाइडेड एट कॉर्नर कंटेंट बाय एजेस ओवर वन ऑफ विच द स्लैब इज कंटिन्यूस, मतलब स्लैब कंटिन्यूस होगा तो हमें क्या करना है, उसके ओनली वन कॉर्नर, ओनली वन ऑफ विच द स्लैब इज कंटिन्यूस. स्लैब एक कॉर्नर में मतलब इधर के साइड में कंटिन्यूस होगा, ये हमारा स्लैब है इतना. तो अभी ये पूरा मतलब ये वन है, वन स्लैब, ये टू स्लैब, ये थ्री स्लैब और फोर स्लैब, ये यहाँ पे कंटिन्यूस है, इधर के साइड में कंटिन्यूस है, ये इधर के साइड में कंटिन्यूस है, ये इधर के साइड में कंटिन्यूस है, लेकिन ये जो कॉर्नर से यहाँ पे ये डिफ्ले, यहाँ पे जो कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, यहाँ पे ये कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है. तो यहाँ पे ये यहाँ पे ट्विस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है फिर, क्योंकि इधर के साइड में भी ये कंटिन्यूस है तो हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, कंटिन्यूस स्लैब में टॉर्शन प्रोवाइड करना है. शैल बी प्रोवाइडेड एट कॉर्नर कंटेन बाय एज ओवर ओनली वन ऑफ विच द स्लैब इज कंटिन्यूस. कंटिन्यूस होगा तो वहाँ पे एक साइड में, इधर के एक साइड में, इधर इधर ऐसे हम प्रोवाइड करेंगे. द टॉर्शन रेनफोर्समेंट नीड टू बी प्रोवाइडेड, टॉर्शन रेनफोर्समेंट नीड नॉट बी प्रोवाइडेड एट एनी कॉर्नर कंटेन बाय एज ओवर बोथ ऑफ विच द स्लैब इज कंटिन्यूस. सब तरफ स्लैब कंटिन्यूस होगा तो हमें ज़रूरत नहीं है टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की. अभी बहुत बार इधर से भी हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, इधर से भी कंस्ट्रक्शन होगा, तो फिर हमें यहाँ पे टॉर्शन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके तो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है इंट्रोडक्शन अबाउट द स्लैब. तो स्लैब के डिफरेंट टाइप्स हमने स्टडी किए, व्हाट इज़ अ स्लैब स्टडी किया हमने, वन वे स्लैब में और टू वे स्लैब में क्या डिफरेंस होता है वो हमने यहाँ पे स्टडी किया. शॉर्टर स्पैन टू लॉन्गर स्पैन, इसका जो रेशो रहता है वो दो से बड़ा होगा तो हमें वन वे डिज़ाइन करना है, वो दो से छोटा होगा तो हमें टू वे डिज़ाइन करना है, ये हमने यहाँ पे स्टडी किया. उसके बाद में कितना स्लैब की थिकनेस होनी चाहिए, जो स्पेसिंग होती है मेन स्टील में, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में, वो कितनी होनी चाहिए, टॉर्शन कहाँ पे प्रोवाइड करना है, ये सारे पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर में कवर किए. किसी को कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.